आज सुबह करीब 9:15 तीसा बैरागढ़ सड़क मार्ग पर तरवाई पुल के समीप दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक सूमो गाड़ी जिसमें की पुलिस के 9 जवानों के अलावा गाड़ी का चालक व एक अन्य व्यक्ति इस गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तो अचानक से तरवाई नामक स्थान पर ऊपर पहाड़ी से भारी भरकम पत्थर आए और एक पत्थर सीधे ड्राइवर की गर्दन पर लगा, जिस कारण उसने गाड़ी का संतुलन खो दिया और गाड़ी सैकड़ों फुट नीचे बैरागढ़ नदी में चली गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें से 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बहरहाल मृतकों और घायलों को सबसे पहले तीसा अस्पताल लाया गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत चंबा अस्पताल भेज दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 8 बताई जा रही है, जिसमें 6 पुलिस के जवान और 2 लोग अन्य बताए जा रहे हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। आज सुबह जो है वो 9:15 चंबा बैरागढ़ जो रोड है हमारी, ये तरवाई के पास एक पहाड़ है, जो हमने अग्रिम में पीडब्ल्यूडी को सूचना दी थी। 3 महीने पहले जो है वो हमने रुकवाई थी ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्सिन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मौजूदा सरकार ने जो है वो बार बार हमने आग्रह करने के बाद जो है वो यहाँ इस पहाड़ को नहीं काटा, और आज हमने पुलिस के जवानों को खोया है और साथ में एक लोकल व्यक्ति को भी खोया है, 2 लोगों को। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस पे FIR जो है वो एक्सिन पे हो और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्सिन की बनती है ये, क्योंकि हमने 3 महीने पहले कहा था कि इस रोड को बंद भी करवाया था, 3 दिन लगातार हमने काम भी चलवाया, लेकिन एक्सिन ने फिर लापरवाही बरती है और आज जो है वो ये हादसा हमें 9:15 जो है वो देखने को मिला है। हम तो उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग कर रहे हैं।